हेलो मॉर्निंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल में जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 1857 विद्रोह का प्रसार। मैंने पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 1857 की जो क्यों स्टार्ट हुई थी क्रांति, इसके कारण राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक विद्रोह, जितने कारण थे मैंने बताया था। उसके बारे में फिर से बता देता हूँ जिन लोगों ने अभी चैनल को नहीं देखा, प्लीज लेक्चर को नहीं देखा, जाके देखे। देखो 1857 क्रांति के प्रारंभ के बात करते हैं कैसे स्टार्ट हुई, उसके बाद हम विस्तार पे आएंगे। एक मैंने बना के रखा है चार्ट टाइप का, आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी, जनवरी दमदम यानी बंगाल का छोटा सा जिला था दमदम, वहां पे जब सैनिकों के पास चर्बी वाले कारतूस पहुंचे तो उनको जब ये पता चला ऐसे सुअर के और गाय के चर्बी कारतूस है तो उन्होंने एक छोटा सा विद्रोह हुआ, लेकिन यह विद्रोह वहीं तक सीमित रह गया, एक बैठक तक ही सीमित रह गया। उसके बाद फरवरी में फिर से बहरामपुर में स्टार्ट हुआ, ये भी एक बंगाल में, ठीक है, फरवरी में बहरामपुर में स्टार्ट हुआ। और जैसा कि पता 29 मार्च को मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, 29 मार्च को मंगल पांडे ने दो अधिकारियों का, एक कौन थे बाघ और दूसरे थे सरजांट, ठीक है, दोनों के गोली मारकर घायल कर दिया था। और 29 मार्च, उसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 कब से क्रांति स्टार्ट होती, देखो इसका क्वेश्चन कहां से बनता है, 1857 की क्रांति कब हुई स्टार्ट हुई तो 10 मई 1857। अब 29 अब मार्च क्यों नहीं कहते कि 29 मार्च को उसने अधिकारियों को गोली मारी थी ना कि क्रांति स्टार्ट हुई थी, इसलिए तो मंगल पांडे के इतिहास इसलिए बताया जाता क्योंकि 29 मार्च को उसने गोली मारी, 8 अप्रैल को उसको फांसी हुई, इसलिए इतिहास में बताया जाता है। अब बात करते हैं स्टार्ट कब होती है 1857 क्रांति, क्यों कहा जाता है, क्योंकि 10 मई 1857 को मंगल पांडे की बात, ये 1857 को मेरठ बैरकपुर के मेरठ से, जो मेरठ है वहां का बैरकपुर छावनी से, 34वीं छावनी से, ठीक है, स्टार्ट हुआ। और ये 10 मई को स्टार्ट होकर 11 मई कहां पहुंचता, दिल्ली पहुंचता है। 10 मई को स्टार्ट होती है, 11 मई दिल्ली जीत लेते हैं और वहीं पे जो मुगल वंश के शासक थे, आखिरी शासक जहां जिन्हें कहा जाता है, यहीं से ये आखिरी शासक घोषित हो जाते हैं, मुगल वंश के शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, वहां पे दिल्ली जीत लिया जाता और उसके बाद उन्होंने इस क्रांति का अपना नेता उनको नियुक्त कर दिया, किसको, बहादुर शाह द्वितीय। तो 1857 की क्रांति का नेता किसे नियुक्त किया गया, तो मुगल वंश के शासक बहादुर शाह द्वितीय को नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया, मुगल वंश के शासक बहादुर शाह द्वितीय को नियुक्त कर दिया, कहां का 1857 की क्रांति का नेता, लेकिन ये काफी उम्र दराज थे, ठीक है, तो इसलिए बख्त खां जो इनका सेनापति था, बख्त खां ये सैनिक विद्रोह में नेतृत्व करता है सैनिकों का। अब बात करते हैं 1857 के प्रसार, विद्रोह का प्रसार कहां से, किसने लीडरशिप की, किसने नेतृत्व किया, उसके बारे में कब से कब चला, किसने दबाया। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, यूपीएसआई वन डे एग्जाम कोई भी लेखपाल है तो यहां अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से ही बनेगा, क्यों बनेगा देखते हैं। देखो बहादुर शाह द्वितीय आपको पता है कब से कब, 11 और 12 मई 11 मई को दिल्ली पहुंचते, मेरठ से ये लोग कहां पहुंचते, दिल्ली पहुंचते 11 मई को, और 11 मई को ही बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर देते हैं 1857 क्रांति का 1800। और बख्त खां क्यों आता, क्योंकि ये सेनापति बहादुर शाह द्वितीय की काफी ज्यादा उम्र हो जाती है, इसलिए बख्त खां सेनापति जो है ये लीडरशिप नेतृत्व करता है सैनिकों का। और 12 मई को ये दिल्ली से प्रारंभ होता है, कहां से, 12 मई को दिल्ली से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया दिल्ली से, तो दिल्ली, अगर क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली से 1857 की विद्रोह का प्रसार किसने यानी कि नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन उसका जो वास्तविक नेतृत्व यानी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, बख्त खां किया। और इसको दबाने वाला कौन था, जॉन निकल्सन हडसन, कौन था ये दबाने वाले थे, यहां है नेतृत्व करने वाले, ये कौन सा एरिया, ये नेतृत्व करने वाले ये कौन सा एरिया, और दबाया किसने, और कब से कब, कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला, ये डेट आपको लिखी है। तो बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से नेतृत्व किया, दबाया किसने, जॉन निकल हडसन। अब क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में 1857 क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ, उसको दबाने वाले कौन थे, तो आप ऑप्शन दे देगा चार आपको, कैंपबेल, हरोज, कर्नल नील और जॉन निकल्सन, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, जॉन निकल्सन हडसन। तो आई होप अगर ये चार्ट आप लोगों को विजुअल है, सही तरीके से दिख रहा है, तो प्लीज ऐसा ही चार्ट अपने आप
में एक बना लीजिएगा नोट्स में, ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम जब पढ़े तो आसानी से आपको क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन 1857 क्रांत से बाहर न जाए। तो जॉन निकल्सन ने इसको दबाया, दिल्ली का नेतृत्व किसने दबाया है? जॉन निकल्सन, हडसन ने। दिल्ली का नेतृत्व 11 मई को ही प्रारंभ हो गया, 11 मई से लेकर 20 सितंबर 1857 तक चली, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जो बहादुर शाह द्वितीय की खुद की एक बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल ने ही, किसने? जीनत महल ने, जीनत महल ने ही अंग्रेजों की मुखबरी कर दी कि बहादुर शाह द्वितीय हुमायूं के मकबरे में छुपे हैं, और वहां से अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ लिया और उन्हें रंगून निवासित कर दिया, निर्वासित कर दिया, रंगून भेज दिया, और जो बख्त खां थे इनको छोड़ दिया, बख्त खां को छोड़ दिया और रंगून निवासित कर दिया, किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। और इसको बताने वाला कौन था, इनका एड्रेस कौन, इनकी पत्नी, खुद की पत्नी जीनत महल ने बताया था। तो बहादुर शाह जफर की पत्नी कौन थी जिसने बताया था? जीनत महल ने। कब से कब चला? 11 मई से लेकर 20 सितंबर 1857 नेतृत्व कहां किया? दिल्ली में। किसने दबाया? जॉन निकल्सन हडसन ने दबाया। अब वही बात करते हैं नाना साहेब तात्या टोपे। तो कानपुर से आपको पता है नाना साहेब बाजीराव द्वितीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनकी पेंशन बंद होने के बाद इन्होंने, नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया। कहां से किया? कानपुर से। और इनका साथ देने के लिए तात्या टोपे है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? धोनूपंत। धोनूपंत, आप जहां पे चार्ट बनाएंगे, यहां जगह कम होने की वजह से मैं नहीं लिख पाया हूं, तो जहां चार्ट बनाए वहां पे ब्रेकेट में लीजिएगा धोनूपंत, ये बेबी कई बार वन लाइनर में क्वेश्चन बना है। वहीं पे तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था पांडू, रामचंद्र पांडुरंग, तो इनका भी एक वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो इनका दोनों के आप लोगों को वास्तविक नाम लिखने हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नाना साहेब तात्या टोपे। तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर से इसका प्रारंभ किया, नेतृत्व किया, और इसको दबाने वाला कौन था? कैंपवेल था। ये कब से कब चला? तो 5 जून से लेकर 6 दिसंबर 1857 तक ये नेतृत्व चला। उसके बाद नाना साहेब पकड़ लिए जाते हैं और इन्हें नेपाल भेज दिया जाता है। वहीं पर तात्या टोपे यहां से भाग निकलते हैं, और ये कहां भाग जाते हैं? एमपी के ग्वालियर में भाग जाते हैं। जब एमपी के ग्वालियर में भाग जाते हैं तो फिर से तात्या टोपे वहां पे अपने छोटे छोटे मित्रों से मिलकर सैनिक नेतृत्व करता है, और ग्वालियर में फिर से तात्या टोपे नेतृत्व करता है, 1857 क्रांति का विद्रोह करता है। ये बार क्वेश्चन और है, यहाँ पे नाना साहब की मदद करते हैं, उसके बाद ग्वालियर में खुद नेतृत्व करते हैं तात्या टोपे अपने मित्रों की सहायता से। लेकिन ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि अपने इनके तात्या टोपे स्वयं के मित्र मान सिंह थे, और उन्होंने अंग्रेजों से मुखबरी कर दी, और उसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। तो तात्या टोपे को किसने, किसकी मुखबरी पे पकड़ा गया? तो मानसिंह की मुखबरी पे, जो स्वयं इनके मित्र थे। तो यह भी क्वेश्चन कई बार आया कि तात्या टोपे को किसकी मुखबरी पे पकड़ा गया? तो मानसिंह की मुखबरी पर पकड़ा गया। तो तात्या टोपे कहां कहां से? कानपुर और ग्वालियर, यानी ग्वालियर जो आपका प्रेजेंट टाइम में एमपी में है, से नेतृत्व किया। और किसने दबाया? कैंपवेल ने दबाया, ठीक है, कैंपवेल ने दबाया। अच्छा, जब ये ग्वालियर में नेतृत्व करते तो वो कौन सा ईयर चला था? 1858 ही चल रहा, 1858 चल रहा होता, ठीक है, 1858। चार मार्च, देखो 4 जून से लेकर 1858 तक चल रहा होता है। आगे देखते हैं, बेगम हजरत महल, सबको पता है लखनऊ से नेतृत्व, अवध के प्रांत से नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल थी। इनके पति को पकड़ लिया जाता है और बताया जाता है आप सही शासन नहीं चला पा रहे हैं, सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इनकी नीति को गलत ठहराया जाता है, और अंग्रेज इनको नेपाल भेज देते हैं, ठीक है। इनके पति को, बेगम हजरत महल के पति को अंग्रेज जब नेपाल भेज देते हैं, तो इसका विद्रोह बेगम हजरत महल कहां से करती है? लखनऊ से करती है। जब बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह करती है, तो ये इसको किससे दबाते हैं? तो कैंपवेल, इसको भी कैंपवेल दबाते हैं। कब से कब नेतृत्व करते? 4 जून से मार्च 1858 तक बेगम हजरत महल नेतृत्व करती है। और जब इसको कैंपवेल दबाते हैं, तो उसके बाद ऐसा बताया गया कि जो वकील होते हैं, बेगम हजरत महल अपने वकील के साथ कहां भाग जाती है? नेपाल भाग जाती है। विद्रोह को सही तरह से नेतृत्व न करने की वजह से ये नेपाल भाग जाती है।
तो कब से कम बेगम अजद महल लखनऊ को कैंपवेल ने दबाया, 4 जून से लेकर मार्च 1858 तक ये नेतृत्व चला। ठीक है, वहीं पे आगे देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। हिरोज ने स्वयं को इनको लाइन में कहा कि भारत में सोई हुई महिला में से एक और सिर्फ कौन थी? झांसी की रानी। अगर भारत की मर्दों में सोई हुई महिला सिर्फ झांसी की रानी थी, वास्तव में अगर झांसी की रानी की जैसा और कोई इस एकता में होता, आगे चल के बताएंगे कि कैसे यहीं पे हम आजाद हो सकते थे। भले ही वहां पे कोई उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था कि हमें किस आजादी के लिए लड़ना है। देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, झांसी से नेतृत्व किया गंगाधर राव। अग्नि दत्तक पुत्र के नेतृत्व के लिए गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ये इनके दत्तक पुत्र थे, उनके उसका राज सिंहासन के लिए इन्होंने स्वयं को शासक घोषित किया, मैंने पिछले भी बता चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति में विद्रोह के में भाग लिया। कहां से लिया? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लिया। दबाया किसने? हिरोज ने दबाया। कब से कब चला? तो जून 1857 से लेके अप्रैल 1858। कब से कब? जून 1857 से लेके अप्रैल 1858 तक चला। किसने? तो किसने दबाया? हिरोज। झांसी की, झांसी का दबाने वाला कौन था विद्रोह को? तो हिरोज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग अंडरलाइन कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लियाकत अली। लियाकत अली कहां कहां से कर रहे हैं नेतृत्व? तो लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस से कर रहे हैं। लियाकत अली ने कर्नल नील, अच्छा एक चीज और बता दे, ये जो विद्रोह था 1857 का, 1857 का विद्रोह सबसे ज्यादा कहां चला? देखो तीन ही जगह चला, ये कहां चला? बंगाल चला, बिहार चला, और उसके बाद कहां चला? अपने यूपी में चला। बंगाल दमदम बहरामपुर, उसके बाद कहां पे आ गया? मेरठ में आ गया। मेरठ से कहां पे चला? सीधा दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, तो यूपी में चला, बिहार में चला, दिल्ली में चला, हालिया की कुछ स्थान राजस्थान हो गए, ऐसे कुछ स्थानों पे और चला, जिनके बारे में ज्यादा से मतलब ये दक्षिण भारत में पूरी तरीके से छूट रहा। तो 1857 क्रांति का असफलता का सबसे बड़ा कारण एक ये भी माना जाता है कि यह दक्षिण भारत में अछूत था, और इसमें शिक्षित वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग भाग ही नहीं लिए। बताया गया कि किसानों के लिए है तो किसान ही ले, इसमें जमींदारों ने भाग नहीं लिया, ये भी एक इसका सफलता कर। आगे चल के मैं सब कुछ बताऊंगा। तो लियाकत अली ने कहां से इसका भाग किया? लियाकत अली ने इलाहाबाद बनारस से भाग विद्रोह में भाग लिया, और इसका दबाने वाले कौन थे? कर्नल नील। कर्नल नील ने 1858 में इसको दबाया। किसने दबाया? तो इलाहाबाद और बनारस का विद्रोह दबाने वाले कौन थे? कर्नल नील 1858 में दबाया। वहीं पर खान बहादुर खान बरेली से, खान बहादुर खान ने कहां से नेतृत्व किया? बरेली से। इसको दबाने वाले कौन थे? कैंपबेल। और 1857 से 1858 तक इसका नेतृत्व हुआ। ठीक है, उसके बाद अहमदुल्ला खान फैजाबाद में से नेतृत्व किया, और इसको दबाने वाले कौन थे? जनरल रेनार्ड। ये भी 1857 से 1858 तक चला, जनरल रेनार्ड, फैजाबाद, अहमदुल्ला खान। उसके बाद देते हैं अजीमुल्ला खान, अगर नहीं दिख रहा है सही से, विलिस्बल नहीं है तो मैं बोल देता हूं, अजीमुल्ला खान, इन्होंने कहां से नेतृत्व? फतेहपुर से, और इसको दबाने वाले कौन थे? जनरल रेनार्ड। जनरल रेनार्ड ही दबाने वाले थे, फतेहपुर को दबाने वाले जनरल रेनार्ड। और ये कब से कब हुआ? 1857 से 1858 ये भी चला नेतृत्व। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये स्वयं में जमींदार थे, और इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा विजय दर्ज की है। तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा विजय दर्ज करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन आप एक नोट्स में लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा आप वहां पे जब नोट बनाइएगा तो नीचे नोट लिख के लिख लीजिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा 1857 क्रांति में विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह थे, और इनके बाद इसका नेतृत्व ही आरा सिंह करते हैं बिहार से, और इसको दबाने वाले कौन? विलियम टेलर और विसेंट आयर। तो कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व करते हैं, इसको दबाने वाला कौन है? विलियम टेलर और विसेंट आयर। दोनों लोगों ने जनरल विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दबाया था। ये कब से? 1858 के अप्रैल, 1858 अप्रैल से दिसंबर 1858 तक ये विद्रोह चला। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है जो आपको मैं बता देता हूं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बता देता हूं। गोरखपुर से जो इसका नेतृत्व किया है,
गोरखपुर से इसका जो नेतृत्व किया किसने किया है? गोरखपुर से किया गजाधर ने, गजाधर सिंह ने। वहीं इसका मथुरा से किसने किया? देवी सिंह ने। मथुरा से देवी सिंह ने किया है, गोरखपुर से किसने किया है? गजाधर सिंह ने। ठीक है, और इसका एक और था, किसने किया था? राजस्थान से, राजस्थान से जयदयाल और राजस्थान से किया था जयदयाल और हरदयाल ने। ठीक है, तो दोस्तों ये थे राजस्थान इसके प्रसार का विद्रोह, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका प्रसार का नेतृत्व कौन किसने किया। अब मैं ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, इसके बाद जो अगला लेक्चर कल आपको मिल जाएगा उस लेक्चर में बताऊंगा कि किसने क्या कहा, 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा, किसी ने कहा स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों के इतिहासकार ने क्या कहा, हिंदू के जो भारतीय इतिहासकार थे वो उन्होंने क्या कहा, और इसका असफलता के कारण और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका स्वरूप क्या था, कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ये 1857 क्रांति का विद्रोह का कारण था, इसलिए मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मुझे बताना हो तो मैं पूरा एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर देता, लेकिन मेरा मतलब है कि आप सभी को ये आसानी से समझ में, इसके बाद आपको यहां से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें प्लीज दोस्तों। जिन लोगों ने भी मेरा टेलीग्राम पे यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज जिसका नाम एग्जाम क्रैक विद अखिलेश सर, एग्जाम क्रैक विद अखिलेश सर, जाएं टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।